हेलो शांतिलाल, आ गए अपन एक और वीडियो के साथ। जैसे जैसे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे देखने वाले कम होते जा रहे हैं यार। 200-250 ऐसे व्यू आ रहे हैं, पता नहीं यार ब्लॉगर स्टार्टिंग वाले जो व्लॉग मतलब जो स्टार्ट ही करते हैं ब्लॉगर, वो कैसे कंटिन्यू कर लेते हैं एंड तक। यार मैं तो डिमोटिवेटेड हो गया हूँ अभी से, बट ठीक है, जो देख रहा है उनको अच्छा लग रहा, बेचारे कमेंट्स कर रहे, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। तो यार अभी तो क्या है, वीकडे चल रहा है, क्या ही दिखाऊंगा मैं, साला 12-13 घंटे काम कर रहा हूँ कंटिन्यूस। अगर मेरे कंपनी से कोई देख रहा ना तो अगले इंक्रीमेंट में ना याद रखना है सब चीज़ें, बट बिल्कुल ही टाइम नहीं है कुछ भी करने का। तो अभी मैं थोड़ा टाइम मिला मेरे को तो भाग के जाके मैं लंच लेके आ रहा हूँ चिपोटले से। इतना हार्ड वर्किंग मैं कभी नहीं रहा और ना मैं कभी रहना चाहता हूँ यार, कि खाने का टाइम ना मिले, कहीं जाने का टाइम ना मिले, इतना थोड़ी काम करना चाहिए। आई एम नॉट ए वर्कहोलिक। चलो देखते हैं। चिकन प्रिया की रोल, अब मेरे को लगा काठी रोल टाइप आएगा एकदम रोटी में। देखता हूँ बताता हूँ आपको कैसा आ रहा है। मैंने लाइफ में आज तक सुशी नहीं खाया कभी, और आज चिकन टेरियाकी रोल, चिकन रोल समझ के अपन जो पराठे में बनता है अपने आप, वो समझ के अपन ने बोला। तो देखो तो सुशी आ गई, सुशी मेरे को सुशी आ गई, दिखाता हूँ आपको अच्छे से। इन्हें चॉपस्टिक दिया है तो मेरे को खाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो हाथ से खाते, ये ले लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसा है, मतलब अंदर की जो फीलिंग है वो अच्छी लग रही है, बाहर का चावल अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टेस्ट है। ओह फक, अबे ये हरी चटनी समझ के खा लिया मैंने, शायद ये वसाबी होती है, मैंने देखा है ये बहुत तीखी होती है, मुझे बहुत तीखा है, सही में बहुत तीखा है। नहीं मज़ा आया यार सुशी में, पहला एक्सपीरियंस तो अपना बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। कभी चावल का टेस्ट आ रहा है, कभी मच्छी का टेस्ट आ रहा है, कभी चिकन का टेस्ट आ रहा है, और ये ना ये पैसा दिया तो कंप्लीट करने के चक्कर में मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा चुका हूँ। बट ना, 5 में से 1 स्टार दूंगा मैं। तो यार अपन ने रूम में सामान वामान रख दिया, अपन निकल रहे हैं इंडियन स्टोर की तरफ, और धूप ऐसी पड़ रही है, ऐसी पड़ रही है, 6:30 बजे इतनी धूप है यार, यहाँ पे अलग ही रहता है यहाँ का सीन। तो इंडियन स्टोर जा रहे हैं अपन, थोड़ा बहुत है ना, तो एक्चुअली क्या है कि मैं ना रेडी टू कुक लेके आया था, बहुत छोले पालक पनीर ऐसे कुछ रेडी टू कुक लाया था। मेरे को ये लग रहा था कि मेरे होटल में क्या बोलते किचन होगा, तो साला किचन विचन कुछ नहीं निकला। तो अब एक माइक्रोवेव दे दिया सालों ने, वो भी लॉबी में, मेरे रूम में नहीं दे रहे। तो अब रेडी टू कुक यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो पराठे वराठे मिलते हैं ना इंडियन स्टोर पे, वो ले आऊँ, डॉलर में पराठे खरीदूँ और उसको माइक्रोवेव में रख के फिर अपन रोटी और पनीर और ये सब खाएंगे। यार बोर हो गया मैं अभी तो यार, बाहर का खा खा के थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ। तो यहाँ से है 23 मिनट का वॉक है, तो वहाँ जाके बताता हूँ कि कैसा है इंडियन स्टोर।
फाइनली आ गए इतना चल के। 20 मिनट का रास्ता था यार, बट ये रूल समझते समझते आधा घंटा लग गया मेरे को। ये अपन ऐसा लग रहा है कि इंडिया आ गया। देसी रे देसी, धीरे दे देसी। अजय देवगन भी आता है यहाँ पे। अरे यार बेटा क्या कर रहे हो? अरे यार हॉर्लिक्स ले लूँ क्या? रात में खाऊंगा। नहीं ये तो आशीर्वाद है ना, बीस का सही पे। आप तो यही तो लेने हैं। हाँ बड़ा लेना है। बड़ा देखो बहुत हंसी आ रही है। पंजाबी तड़का इसको मैं सेव बेच दूँ क्या इनको? मैं मेरे पास सेव पड़ी है बहुत। कहीं तो लिख देखिए आप, ये रहा ये सत्यावी सेव। चिया इसकी शक्ल तो देख यार, असली रतलामी सेव है। ये इंडिया से आया कोई नहीं यहाँ का ना। ये इंडिया का प्याज है लग रहा ना, और ये अमरीकी प्याज है। $3 के पत्ते हैं ये। कितने $3 के? एक तो नहीं बोलना चाह रही है। स्टील के बर्तन गाने, स्टील के बर्तन। तो मिस तो नहीं कर रहा? हाँ यार, घर कॉलेज सबकी याद आ गई। बताओ ये मिस कर रहा? हमारे कॉलेज में ऐसी प्लेट थी, ये घर पे भी वैसे यहाँ के वो भी नहीं चाहिए उनको। बर्तनों में भी उनको इंडियन ही चाहिए। देश ही छोड़ना है। तो डेटॉल से हाथ धोना शुरू। ये क्या बात है? ये क्या है? पीतांबरी। अच्छा वो उसके लिए स्टील। अच्छा इसको बर्तन भी चमका के रखने। बताओ ये तो मैंने अपने इंडिया में नहीं देखा यार। जो अपन कुत्तों को खिलाते, भयंकर ऑब्सेशन है लोगों को यहाँ पे यार इंडिया के खाने का। ये देखो यार, मैंने गलती कर दी यार सामान नहीं लाके। यार ला के बेचना था मेरे को, सब माला माल हो जाता मैं। कितने हैं ये मेरे पास? ये क्या है? भाई ये आवाज अच्छे से बता पाएगा? फेल हो गई ये। हवा यहाँ पे मेरे को समझाई कैसे कॉइन्स काउंट करते हैं। ये है क्वार्टर, क्वार्टर डॉलर 25 सेंट लिखा होता ये है। ये भी है क्वार्टर लिखा होता है। ये भी है क्वार्टर लिखा होता है, मैंने देखा कहीं नहीं। क्वार्टर डॉलर 25 सेंट कहाँ लिखा है बस? ये देख क्या? अरे यार इतना थोड़ी। ये है 1 सेंट। अच्छा ये छोटे वाले वन इसको बोलते हैं निकल। निकल और एक होता है निकल एंड डाइम। एक डाइम होता है 10 सेंट। यार वो कैशियर समझी गवाही, इसको पढ़ना नहीं आता। मैंने उसको बोला यार कि अरे कैसे समझते, मेरे को आता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा यार किसी पे लिखा हुआ भी है। शिट यार, तुमको मेरे चेहरे से देख के खुशी समझ आ रही है? सो अभी यार इंडियन स्टोर में आया, पता नहीं तुम लोग विश्वास करोगे नहीं करोगे, बट मेरे को एक आदमी ने रोका और बोले डू यू मेक वीडियोस। यार इसने किस मोटे को देख लिया यार, क्योंकि मेरे वीडियो में तो 400-500 तो व्यू आते थे, इसने थोड़ी देखा होगा। बट बोला कि हाँ यू हैव मेड अ चिपोटले व्लॉग जो मैंने बनाया था। तो मैंने बोला अरे यार ऐसा लगता है क्या रिकग्निशन? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा यार, सही में इतनी खुशी हो गई ना कि मैं इसको $10 देने वाला था कि भाई ये पकड़ तूने दिन बना दिया आज मेरा। वो बोलता है कि तुम्हारा तुम अदर कंट्रीज घूमते हो क्या? जैसे मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर हूँ। मैंने नहीं भैया, पहली इधर ही, यही दूसरी कंट्री अलग वाली, ऑफिस के काम से आए। बट यार बेहतरीन ही लग गया मेरे को यार। अभी मैं क्या, मैं साला उतना ओपन नहीं हुआ ना, तो मैं उसका उसके मुंह पे कैमरा रख के वीडियो बना के बुलवाता उससे कि बोल इसमें कि तूने मेरे को यूट्यूब पे देखा। बट सही है यार, थोड़ा मोटिवेशन आ गया। था यहाँ पे पपीता, मैगी के केचप और
लिट्टिया में लिट्टे पापड़ कभी कभार नहीं मिलते हो यहाँ भी। वाडीलाल आइसक्रीम यार इंडिया में नहीं खाता कोई। मैं तो बोल रही हूँ मतलब मैं ये देख के तो मैं कहूँगी कि मैं यहाँ जब इंडिया से वापस आऊंगी तो मेरे को क्या क्या चीजें लानी नहीं है। सही में यार नहीं हूँ ये इतने रेडी टू कुक तो इतने इंडिया में भी नहीं थे जितने यहाँ पे अवेलेबल है। क्या नाम है इस कॉलोनी का? ये है ब्रैंडन स्ट्रीट। ओह माय गॉड ब्रैंडन स्ट्रीट बहुत सुंदर है। रिवर व्यू इज दी सोसाइटी नेम। यहाँ पे ना इन दोनों के 5 फ्लैट है। बहुत कमा रहे हैं दोनों। अभी तो ले जाते हैं मेरे को इधर उधर। आज हम पानी पूरी खाने वाले हैं। ए टू बी की लोकेशन मतलब एम्बियंस देखो पानी पूरी के लिए। हाँ हेवन हेवंस अच्छा दम है दम नहीं ज़्यादा दम तो है $30 का नहीं। अंदर के चने वो गरम है अपने यहाँ जैसे ठंडा होता है ना वैसा नहीं गरम है बहुत तीखा है ये अच्छा है तीखा है ये धनिया अलग से दे रखा यहाँ पे $32 $2400 की पानी पूरी खिलाई है। और दुख की बात यह है कि ये लोग इतने डरे हुए ना यहाँ पे कि इन्होंने एक्स्ट्रा पानी नहीं मांगा सूखी पपड़ी नहीं मांगी पपड़ी में मस्त देते हैं वो लोग। तुमने मांगा? हाँ मैंने मांगा मना कर दिया। $32 में तो घर आके देना चाहिए उनको। बट अच्छा था टेस्ट अच्छा था तीखा था मेरे को तो मीठा मीठा खाना पड़ा मेरे को तो बट तीखा था। बट पता ये वाला कैसा टेस्ट था डोंट माइंड। बट जैसे अपन घर में बनाते ना जब घर घर में लाते अपन तो जैसे प्योर घर का पानी प्योर जैसे अपने इंडिया में ये वाला जैसे हाथ वाला उसका टेस्ट नहीं आया तो मेरे को ना बहुत मिस कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ दो वीक की और बचे मैं सोच रहा हूँ खुद का ही पसीना डाल। बड़ा अच्छा था यार तो अपन नहीं बट हाँ अंदर वो नहीं खा पाते अपन क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्या नहीं खा पाते तेरा साउथ इंडियन लाइन लगा के लाइन लगा के डोसा तो नहीं खाऊंगा कभी मैं लाइफ में। बट सही था। अब अपन अच्छा कुछ था। और खाने पीने जा रहे हैं बताता हूँ क्या जा रहा है वो भी तो बता दे क्या खाने और पीने अभी नहीं बता सकता मम्मी देख रही है मम्मी देख रही है। आज है फ्राइडे नाइट और हम लोग जा रहे हैं क्लबिंग या हॉपिंग। क्लब हॉपिंग तो क्या पता करेंगे कि नहीं। कहाँ पे जा रहे हैं अपन? डाउनटाउन सैन होजे के डाउनटाउन में जा रहे हैं। पिछली बार बाहर से देखा था आज घुस के देखेंगे। अरे डाउनटाउन के एरिया से बाहर निकले थे ना अपन अपन क्या गए थे पिछली बार वो कौन सी जगह थी? डाउनटाउन था क्या? माउंटेन व्यू वो भी अच्छा था। आज मेन डाउनटाउन में जा रहे हैं ना सैन हो गया। चलो हाँ भैया सर कल तो अपन ने कुछ रिकॉर्ड करा नहीं कल वहाँ गए थे पार्टी वार्टी करी थी और काफ़ी अच्छी पार्टी हुई तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सो अगले दिन अब मैं बस इसको क्लोज कर रहा हूँ। सो अगर आपने यहाँ तक झेल लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थोड़े व्यूज़ बढ़ा दो ताकि मुझे भी मज़ा आए और मैं भी वीडियो बनाऊँ और व्लॉगिंग कर सकूँ। सो आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी कुछ अच्छा वीकेंड दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा। तब तक के लिए मजे करो टाटा।